हेलो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक जो तीन लेक्चर देखे हैं आप लोगों ने जेनेटिक्स के, उनमें आप लोगों ने एक्चुअली इसके पूरे ब्रीफ आइडिया को जाना है, क्या क्या वर्ड्स यूज होने वाले हैं। काम करने वाला जो फादर ऑफ द जेनेटिक्स था वो था मेंडल। यहाँ पे उसने 7 साल काम किया था, 1856 से लेकर 1963 तक। उसने जिस प्लांट पे काम किया उस प्लांट का नाम था यहाँ पे आपका गार्डन पी। उस गार्डन पी का बॉटनिकल नेम होता है पीसम स्टीवो। आप ये कहते हैं उसने उसमें 7 करेक्टर को चूज किया था। वो 7 करेक्टर क्या थे, आपने उनके बारे में बातें की थी। वो जो करेक्टर थे उनमें कौन डोमिनेंट होता है, कौन जैसे आपने उनकी बातें की थी। यहाँ पे किस किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट, आपने ये बातें कर ली थी। यहाँ पे इवन आपने ये भी बातें कर ली थी कि मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट करने के पीछे रीजन थे कुछ। यहाँ पे उसका रीजन आपने कहा था उसकी शॉर्ट लाइफ है, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है, जो आपने कहा कि उसमें कंट्रोल कर सकते हाइब्रिडाइजेशन को। यहाँ पे शॉर्ट लाइफ है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होते हैं पर जनरेशन, ये सब बातें कर ली थी आपने। इवन आपने कुछ टर्म्स के बारे में बातें की है, जीन क्या होता है, अलील क्या होता है, होमो जाएगा, हेटरो जाएगा, अलग अलग करके अपने वर्ड्स को जाना है यहाँ पे। अब उन सब चीजों का यहाँ पे यूज होगा। अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले टॉपिक की, और यहीं से हमारी जेनेटिक्स शुरू होती है। और आपके पहले टॉपिक का नाम बेटा यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इस वर्ड का क्या मतलब है, एक प्लांट में तो बहुत सारे जीन है यहाँ पे, बट हमें नहीं देखना कि बाकी जीन कैसे आगे प्रोपागेट हो रहे हैं। हमें किसी एक जीन को कंसिडर करना है ड्यूरिंग द ब्रीडिंग, कि इस प्लांट की हाइट है बड़ी और इस प्लांट की छोटी हाइट है, जब इनकी क्रॉसिंग करूंगा तो आगे F1 जनरेशन जब आएगी तो वहां हाइट के साथ क्या हुआ, वो बड़ी होती है छोटी होती है, कैसे वो जीन ट्रांसफर हो रहा है। हम सिर्फ यहाँ पे एक करेक्टर कंसिडर करेंगे, किसी और के बारे में बातें नहीं करेंगे। तो मैं कहूंगा यहाँ पे इस तरह के सिंगल जीन के फ्लो को स्टडी किया जाएगा, वो क्रॉसिंग बनेगी मोनो हाइब्रिड क्रॉस, या मैं कहूंगा मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग करेंगे। या फिर उसका हम कहेंगे आप सिर्फ एक जीन की फिनोमेना को पढ़ने वाले, हाउ ए जीन गेट प्रोपागेट फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। प्रोसेस को शुरू करने के लिए पहले मैं इस सारी बातें करूंगा, एक वैसे कैसे काम क्या क्या होगा, क्या कुछ हुआ होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम कुछ उसके जीन टाइप के साथ बातें करेंगे। मैं जरा यहाँ पे कुछ बातें बनाता हूं, उनको जरा समझिएगा। आपने कहा सर ये प्लांट है वो बड़ा है, और आपने कहा सर ये प्लांट जो है वो छोटा है। मेंडल ने 2 प्लांट ले लिए। अब आपने एक वर्ड बोला था पी जनरेशन। पी वर्ड के 2 मतलब थे, पी स्टैंड फॉर प्योर एंड पी स्टैंड फॉर पेरेंट। आपने कहा सर मैं इन 2 प्लांट का यूज करूंगा पूरे ब्रीडिंग के प्रोग्राम में उस इनहेरिटेंस को पढ़ने के लिए। ये वो है जो प्रोसेस को शुरू करने के लिए यूज किए गए थे मेरे भाई। हम इन्हीं के आगे के जो बच्चे पैदा होंगे उन्हीं के ऊपर स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो मैं कहूंगे दोनों जो यूज किए गए दोनों कहलाएंगे पेरेंट, और ये दोनों हमेशा प्योर होते हैं। ये दोनों हमेशा कैसे होते हैं, प्योर होते हैं। आपने कहा सर ये टॉल प्लांट और ये कैसा यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट है। अब हमने क्या किया, इनके बीच में करा दी क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग कैसी की गई, तो आपने कहा हम हाइब्रिडाइजेशन को टोटली क्या कर सकते हैं बेटा जी, यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। वो स्टेप आपने सेकंड चैप्टर में पढ़े, क्या स्टेप है दोबारा बोल रहा हूं यहाँ पे। मान लेते हैं ये वाले प्लांट को हम लेके चलते हैं बेटा जी मेल, और हम इस वाले प्लांट को लेके चलते हैं फीमेल। इसका मतलब आपने ये भी कहा है सिर्फ पी का जो फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, पी का फ्लावर जो होता है बेटा जी वो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल है। अब बाइसेक्सुअल इस वर्ड का क्या मतलब है कि सर उसमें स्टैमन भी प्रेजेंट है और उसमें पिस्टिल भी प्रेजेंट है। इसका मतलब सेल्फ पोलिनेशन कर सकता है, बट हमें क्या करना है कि यही दोनों हाइब्रिडाइज करके एक ऑफस्प्रिंग को पैदा करें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 स्टेप हमने पढ़ा है। मैं पहला स्टेप करूंगा बेटा जी यहाँ पे इमस्कुलेशन। मैं पहला स्टेप क्या करूंगा यहाँ पे इमस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ द स्टेमन फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर सोचेगा मैं फीमेल के प्लांट से स्टेमन को ही रिमूव कर दूं तो उसके पास खाली क्या बच जाएगा, पिस्टिल। अब अगर खाली पिस्टिल बचा होगा तो सेल्फ पोलिनेट नहीं कर सकता। अगले वर्ड में आते हैं, आपने सेकंड स्टेप पढ़ा था बेटा जी बैगिंग। उसमें क्या करना था, मैं यहाँ पे हम इस पिस्टिल को कवर कर देते हैं बटर पेपर से। किससे बेटा जी, बटर पेपर से, जिससे क्या होगा जो भी अनवांटेड पोलिनेशन होगा उसको क्या करेंगे यहाँ पे पोलिनेट कर बचाने का काम करेंगे, यानी कि उसका अनवांटेड पोलिनेशन ना हो उसके लिए हम उसे क्या कर दें यहाँ पे बैगिंग कर दिए। अब मैं 3rd स्टेप करूंगा यहाँ पे आपका, और 3rd स्टेप क्या होगा कि मैं इस मेल के पार्ट से जो भी एंथर होगा उसमें जो पोलन ग्रेन मैच्योर हो गए मैं उनको करूंगा यहाँ से कलेक्ट, और उनको ले जाकर इसकी पिस्टिल पे कर दूंगा डस्टेड। अब वो यहाँ पे अगर पिस्टिल के ऊपर आके गिर गए आपके यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर अगर मैंने डाल दिया पोलन ग्रेन को, वो भैया जी यहाँ पोलन ट्यूब बनाएंगे और पहुंच जाएंगे आपको द फीमेल गैमेट तक, और वहां जाके करेंगे अपने आपको हाइब्रिडाइज। तो आपने कहा सर हमने यहाँ पे पूरे प्रोसेस को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। ये एक एडवांटेज थी, ये एक अच्छी करेक्टर था किसका यहाँ पे, पी प्लांट का। इस तरह से काम किया होगा, हो गया यहाँ पे। अब उसने देखा जो इस तरह का प्रोसेस कराता है तो जब इनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो सारे के सारे टॉल प्रोड्यूस होते हैं। अब जरा कहानी को समझ के देखते हैं।
इसके पास कुछ ऐसा है, इसमें कोई ऐसा फैक्टर है जो इसे बड़ा करता है, इसमें कुछ ऐसा फैक्टर है जो इसे बड़ा करता है, और वो फैक्टर इसके पास अब्सेंट है। अब हम कहते हैं हेरिडिटी वर्ड का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब वो जो फैक्टर इसके पास है जो उसे बड़ा करता है वो अब अगली ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो गया। इसके पास वो फैक्टर नहीं था तो नहीं आया फैक्टर यहां पे, बट इसके पास वो फैक्टर है जो आगे क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। अब उसने क्या किया, इम्प्लांट के आपस में कराया सेल्फिंग। ये सेल्फिंग क्या होता है बच्चा, सेल्फ पोलिनेशन। मतलब अगर ये प्लांट है, ये बाइसेक्सुअल अगर प्लांट है तो उन्हीं के प्लांट में आपस में करवा रहा है पोलिनेशन। तो मैं कहूंगा इसका अगर खुद के गैमेट फ्यूज करेगा, आपने वर्ड पढ़ा ऑटोगैमी या फिर होगा सेल्फ पोलिनेशन, तो आपने इसका खुद का करा दिया सेल्फ पोलिनेशन। तो उसने क्या देखा, आगे आने वाले मैक्सिमम प्लांट बड़े हैं बट कुछ प्लांट छोटे हैं, बट कुछ प्लांट छोटे हैं। अब आपने कहा सर अगर इसके पास ऐसा कोई फैक्टर है जो उसे बड़ा करता है तो वही करेक्टर को आगे ट्रांसफर होना चाहिए था, और आगे आने वाले भी सब प्लांट को क्या होना चाहिए था, यहां पे बड़ा होना चाहिए था। बट यहां पे मैक्सिमम प्लांट तो बड़े हैं बट कुछ प्लांट यहां पे कैसे हैं बेटा जी, ड्वार्फ भी हैं। मैक्सिमम प्लांट बड़े हैं बट कुछ कैसे यहां पे ड्वार्फ भी। इसका मतलब जो हम यहां बात सोच रहे थे कि इसके पास कोई ऐसा फैक्टर है जो उसे बड़ा करता है, तो इसका मतलब यहां पे कुछ रूल चेंज होने वाला है यहां पे आपका। अब मेंडल इन चीजों को कैसे समझो, वर्ड को जरा समझ कर देखते। उसने पहला यहां पे वर्ड यूज करेगा बेटा जी यहां पे आपका पेयर फैक्टर, कि एक्चुअली ये जो करेक्टर को कंट्रोल करने वाला फैक्टर था वो कोई एक नहीं था, वो दो फैक्टर थे, वो कोई एक नहीं था, कितने थे यहां पे, दो थे। जरा सोच के देखो अगर इसके पास कोई ऐसा फैक्टर जो उसे बड़ा करता है, इसके पास कुछ ऐसा जो उसे बड़ा करता है और वो अगर आगे ट्रांसफर हो गया तो अब इसके पास वो बड़ा करने वाले तो आगे इसके आने वाले हर बच्चा कैसा होता है यहां पे, बड़ा होता। पर अब अगर हम कहानी को ये सोच के देखें, इसके पास कुछ ऐसा है जो उसे बड़ा करता है, इसके पास कुछ ऐसा जो उसे छोटा करता है, वो फैक्टर अगर इसके पास दोनों फैक्टर आगे, बड़ा वाला अगर कौन से है, छोटा वाला भी, तो अब उस कहानी को अगर मैं यहां बना के दिखाता हूं आपको, जो आपको एग्जाम में करके दिखानी है, ये पी जनरेशन है। आपने कहा सर ये तो क्या है, यहां मेल है और ये क्या है बच्चा आपका फीमेल है। आपने कहा सर मेल जो है वो टॉल है और फीमेल जो है वो यहां पे कैसी है, ड्वार्फ है। मैंने कहा इनके जीनोटाइप की बात करते हैं, क्योंकि आपने कहा सर यहां पी जनरेशन अगर है तो वो प्योर होगी, पी जनरेशन है तो वो आपकी प्योर होगी, तो ये बातें कुछ हो गई। अब आपने कहा सर यहां पे इनके बच्चे जो पैदा होंगे वो जनरेशन जो होगी वो कहलाएगी यहां पे F1 जनरेशन। इनके बच्चे जो होंगे वो जनरेशन क्या कहलाएंगे, F1 जनरेशन। जरा सोच के देखेगा यहां से ये टी आया, यहां से ये टी आया, तो मैं कहूंगा ये कैसा है यहां पे ऑल टोल। अब जरा कहानी को समझ के देखो, इस बिहाफ पे उसने दो कंक्लूजन निकाले, उसने पहला कंक्लूजन निकाला पेयर फैक्टर, जरा इस वर्ड को समझते हैं। अगर एक करेक्टर जो हाइट और उसे कंट्रोल करने वाला कोई एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता तो वो फैक्टर इसके पास, वो फैक्टर इसके पास नहीं है, और अब वो फैक्टर इसके पास आ गया, फिर तो भैया जी मैं कहता सारे के सारे प्लांट आगे कैसे होने चाहिए थे, बड़े होने चाहिए थे। पर उसने कहा कि एक्चुअली करेक्टर को कंट्रोल करने वाला कोई एक सिंगल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जैसे हमने यहां पे कहा ये डोमिनेंट जीन है, कैसे यहां पे रिसेसिव जीन है, तो मैं कहूंगा एक ही करेक्टर कंट्रोल कर देते, दो जीन रिस्पॉन्सिबल है, एक जीन ऐसा है जो बड़ा करता है, एक जीन उसे छोटा करता है, फिर दो जीन आगे यहां से दोनों से अगर एक एक आगे, मैं कहूंगा यहां पे जो F1 जनरेशन है उसके पास अब दो जीन बैठे हुए, एक तो बड़ा वाला एक यहां पे छोटा वाला, बट फिनोटिपिकली वो प्लांट है कैसा यहां पे बड़ा है, तो उसने सेकंड रूल दे दिया यहां पे आपका बेटा जी डोमिनेंस। उसने सेकंड कंसेप्ट दिया यहां पे आपका डोमिनेंस। ये कंसेप्ट क्या कहता है, इन द हिट्रोजाइगस कंडीशन वन ऑफ द जीन इज एबल टू एक्सप्रेस इन द फिनोटाइप, तो मैं कहूंगा जो एक्सप्रेस हो रहा है वो क्या है यहां पे डोमिनेंट, एंड वन ऑफ द जीन दैट इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस is known as recessive gene। तो उसने दो बातें कह दी कि जो भी हमारा करेक्टर होता है उसे कंट्रोल कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं करता, उसे पेयर फैक्टर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सेकंड उसने बात कह दी जो भी यहां पे पेयर फैक्टर होते हैं उसमें से एक फैक्टर क्या होता है डोमिनेंट होता है, एक फैक्टर क्या होता है यहां पे रिसेसिव होता है। अब एक और बात को सोचते हैं, अगर ये दोनों फैक्टर आपस में ब्लेंड हो जाते, मिक्स हो जाते, ये दोनों फैक्टर अगर आपस में ब्लेंड हो जाते, मिक्स हो जाते, तो जरा सोच कर देखो क्या दोबारा से भैया जी बड़े और छोटे पैदा हो पाते,
नहीं हो पाते, तो उसने आगे आने को आगे चलाया बेटा जी यहां पे कि हम F1 जनरेशन की कर देते हैं बेटा जी सेल्फिंग, हम कर देते हैं सेल्फिंग। तो उसने कहा यहां पे गैमेट क्या बनेंगे, तो उसने यहां पे थर्ड कंसेप्ट दे दिया बेटा जी सेग्रीगेशन। ये क्या कहते हैं इसके बारे में सुनिएगा बात को, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन आउट ऑफ द पेयर फैक्टर गैमेट कंटेन ओनली ए सिंगल फैक्टर। दोबारा वर्ड को देखते हैं कि जब गैमेट बनते हैं उस टाइम पे जो पेयर फैक्टर है बेटा जी ये हो जाते हैं सेपरेट, और एक गैमेट के पास कोई एक ही फैक्टर होता है, दोनों फैक्टर कभी नहीं होते। दोबारा वर्ड को सुनते हैं यहां पर, During the gamete formation, the paired factor gets separate out. The paired factor gets separate out and one gamete contains only one factor, either dominant or either recessive. तो मैं कहूंगा इसी पे एक और बात होगी यहां पे आपका purity of gamete। इन्हीं का नाम क्या हो गया बेटा जी purity of gamete। इस वर्ड का क्या मतलब है, अगर ये पेयर फैक्टर है ये अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, तो मैं कहूंगा दोनों अगर अलग अलग हो जाएंगे तो या तो भैया जी ये वाला होगा या उसके पास ये होगा, दोनों मिक्स फॉर्म में नहीं हो सकते। एक गैमेट में एक ही फैक्टर होता है, इधर डोमिनेंट होता है या फिर उसके पास में रिसेसिव होता है, दोनों कभी नहीं होते। तो अब अगर मैं कहूं अगर इस तरह के गैमेट बन गए तो F2 जनरेशन कैसी होगी, तो जरा F2 जनरेशन में सोचो। हमने एक वर्ड पढ़ा था पुनिट स्क्वायर, आपने कहा था सर हम ऐसा बनाते स्क्वेयर, हम एक सेल में लिखेंगे बेटा जी मेल के गैमेट और हम एक सेल में लिखेंगे बेटा जी फीमेल के गैमेट। अब अगर यहां ये प्लांट ये सेल्फिंग करते हैं, मैं कहूं गैमेट कैसे बना होगा, मेल वाले के अंदर आप कह दोगे सर गैमेट बन गए होंगे यही दो प्रकार के, या तो गैमेट ऐसा बना या फिर गैमेट ऐसा बना। फीमेल वाले केस में भी ऐसे ही गैमेट बनेंगे, या तो ऐसा बना होगा या ऐसा बना, क्योंकि यहां पर रूल कौन सा लग गया आपका सेग्रीगेशन का, रूल कौन सा लग गया प्योरिटी ऑफ द गैमेट का। जरा वर्ड को देखो यहां पे, अब अगर सोचिएगा इस टाइप का पोलेंग्रेन आके गिरा होगा तो मैं कहूंगा ऑफस्प्रिंग कुछ ऐसा प्रोड्यूस हो जाएगा, अगर ये वाला फ्यूज होगा तो कुछ ऐसा प्रोड्यूस हो सकता है, ये वाला फ्यूज हुआ तो कुछ ऐसा हो सकता है, ये दोनों वाले फ्यूज हुए तो आप कहोगे सर कुछ ऐसा हो सकता है। अब मैं यहां पर कहूंगा आपने डेफिनेशन लिखी थी पुनिट स्केल की, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था वर्ड पुनिट स्क्वायर, क्या था पुनिट स्क्वायर बेटा जी ऐसे एक स्क्वायर बॉक्स बनता है उसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था पुनिट, जो कि एक ब्रिटिश का साइंटिस्ट था, कहां का साइंटिस्ट था ब्रिटिश का एक साइंटिस्ट था जिसने ये स्क्वायर बना के समझाया था। उसमें आपने ये कहा था इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जीनोटाइप, प्रोबेबिलिटी ऑफ द जीनोटाइप ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। जरा सोच के देखिएगा ये प्लांट बड़ा है और वो अगर सेल्फ पोलिनेशन करता है तो आगे आने वाले F2 जनरेशन के बच्चों का जीनोटाइप क्या हो सकता है, वो होमोजाइगस स्टोर हो सकता है, हेटरोजाइगस स्टोर हो सकता है, या मैं कहूंगा रिसेसिव ड्वार्फ हो सकता है, यहां पे इसकी होने की संभावनाएं कितनी होगी उसके बारे में ये स्क्वायर बॉक्स हमें बताता है। मैं कहूंगा स्क्वायर बॉक्स को हमने बोला यहां पे पुनिट स्क्वायर, उसकी डेफिनेशन दोबारा दोहराता हूं यहां पे आपके लिए, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन जीनोटाइप के आगे वाले आने वाले बच्चों के जीनोटाइप क्या हो सकता है। ये हमेशा प्रोबेबिलिटी की संभावनाओं की बातें करते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी, बट ऐसे होने की संभावना कितनी है और ऐसे होने की कितनी है कि उनकी संभावनाओं की बातें करता है। तो मैं यहां बातें करता हूं उनके रेशियो की। अब मैं यहां बातें करूंगा बेटा जी फिनोटिपिक रेशियो, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था फिनोटाइप मॉर्फोलॉजिकल दिखने में क्या रेशियो है, आपको दिखाई दे रहा है सर यहां चार प्लांट है उन चार में से ये बड़ा होगा ये भी बड़ा होगा ये बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा क्योंकि यहां लग रहा है लॉ ऑफ द डोमिनेंस आउट ऑफ द पेयर फैक्टर। टी वाला कैसे है पे डोमिनेंट और स्मॉल टी का है रिसेसिव, आपको मैं सिंपल बता चुका हूं जब उसे कैपिटल लिख रहा हूं तो मतलब वो डोमिनेंट है और उसमें स्मॉल लिख रहा हूं तो क्या है रिसेसिव, इसका मतलब मैं ये कहूंगा बेटा जी तीनों के तीनों प्लांट दिखने में कैसे होंगे टॉल होंगे, तो मैंने कहा तीन तो यहां पे कैसे हैं टॉल है और ये वाला कैसे है यहां पे ड्वार्फ है, मैंने यहां पे रेशियो दे दिया टॉल और ड्वार्फ का। अब मैं अगले रेशियो की बात करता हूं यहां पे जीनोटिपिक रेशियो, उस रेशियो को जरा देख के बताओ मुझे यहां पे ये वाला कैसा है यहां पे होमोजाइगस स्टॉल, ये कैसा है यहां पे होमोजाइगस स्टॉल, इसका नंबर कितना है यहां पे 1 है,
ये दोनों टोल तो हैं, बट कैसे टोल है यहां पे, ये हिट्रोजाइगस टोल है। कैसे टोल है ये, हिट्रोजाइगस। तो मैं कहूंगा दो कैसे यहां पे, हिट्रोजाइगस टोल है, ये ड्वार्फ है। और ये एक ही नंबर में कहूंगा ये क्या है यहां पे, आपका रिसेसिव प्लांट है यहां पे। इसका मतलब मेरे भाई यहां पे ये आ गया रेशियो, कौन सा यहां पे, जीनोटिपिक रेशियो। अब हम बात ही करते हैं यहां पे दोबारा से एक बार के लिए, हमारा टॉपिक का नाम क्या है बच्चा यहाँ पे, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। हम यहाँ प्लांट में बहुत सारे जीन को कैसे ना करके हम सिर्फ एक जीन की बातें करने वाले हैं। शांति सुनना बात को, यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया बेटा जी पी जनरेशन। पी वर्ड के दो मतलब आपने कहा था, सिर्फ पी का मतलब या तो क्या होता है यहाँ पे, प्योर, या होता है पेरेंट। और प्योर वर्ड का क्या मतलब होता है कि वो होमोजाइगस होगा। आपने कहा सर ये वो प्लांट जिनका हम आगे इनहेरिटेंस में यूज करने वाले हैं यहाँ पे, तो मैं कहूंगी ये पेरेंट प्लांट है, तो हमने कहा यही प्लांट से प्रोसेस को शुरू करने वाले। ये टोल है होमोजाइगस टोल है, ये ड्वार्फ है होमोजाइगस ड्वार्फ है यहाँ पे। इनके आपने क्रॉसिंग के, तो आपने क्या देखा, आगे आने वाले सारे बच्चे बड़े होते हैं, आगे आने वाले सारे बच्चे बड़े होते हैं, बिल्कुल बड़े होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें कंसेप्ट दिया था यहाँ पे डोमिनेंस की, भैया जी जब हिट्रोजाइगस कंडीशन है तो उस कंडीशन में एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है, फिर टाइप एक एक्सप्रेस नहीं करता। जो एक्सप्रेस करता है वो कौन है यहाँ पे, डोमिनेंट है। जो एक्सप्रेस नहीं करता वो कौन है यहाँ पे, रिसेसिव है। तो आपने कहा यहाँ पे कंसेप्ट आके डोमिनेंस का, यहाँ पे कोई एक फैक्टर नहीं, एक पेयर ऑफ द फैक्टर जो हाइट को क्या कर रहा है यहाँ पे, कंट्रोल कर रहा है। तो मैं कहूंगा हमने पहली बात बोली थी यहाँ पे कि एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय द वन ऑफ द पेयर फैक्टर, ये बात भी हो गई। फिर आपने ये कह सकते हिट्रोजाइगस है, तो इनके अगर ये दो जो फैक्टर है ये कभी सेपरेट ही ना होते तो क्या दोबारा से आगे कोई बड़ा या छोटा प्लांट पैदा होता। सोच के देखो यहाँ पे दोनों अगर आपस में ब्लेंड हो जाते, मिक्स हो जाते, दोनों आपस में ब्लेंड हो जाते, मिक्स हो जाते, तो ड्वार्फ फला कभी नहीं आ पाता। पर ये ब्लेंड नहीं होता है, यहाँ पे रूल लगता है सेग्रीगेशन, रूल लगता है कौन सा यहाँ पे सेग्रीगेशन। तो मतलब उसमें क्या होता है, आउट ऑफ द पेयर्ड फैक्टर, आउट ऑफ द पेयर्ड फैक्टर गैमेट कंटेन ओनली वन फैक्टर, इट मीन्स द पेयर्ड फैक्टर गेट सेपरेट आउट, पेयर फैक्टर गेट सेपरेट आउट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। ये कोई नई बात नहीं सुन रहे हो आप लोग, आपने मियोसिस पढ़ा तो 11th क्लास में अच्छे से। मियोसिस क्या कहते हैं, जब हमारे पास 40 क्रोमोसोम है तो जब गैमेट बनता है तो उसमें 23 रह जाते हैं, मतलब दोनों पेयर क्रोमोसोम अपने आप को अलग अलग कर लेते हैं। तो वही बात समझ के देखो, नहीं पेयर फैक्टर है यहाँ पे, दोनों अपने आपको सेपरेट कर लेते हैं यहाँ पे आपका, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो आपने यहाँ पे रूल दे दिया यहाँ पे सेग्रीगेशन का। और आपने कहा सर फिर अगर ये गैमेट बने होंगे तो आपने यहाँ पे उनकी प्रोबेबिलिटी को पता लगाया कि अगर वो गैमेट इस तरह से फ्यूज होते हैं, रेंडम अगर एक फ्यूजन होता है तो कैसे कैसे बच्चे हो सकते। तो आपने कहा सर ये चार तरह की प्रोबेबिलिटी होने की यहाँ पे, उसका आपने रेशियो निकाल के दिखाया। तो मैं बातें करने वाला हूं कंक्लूजन क्या निकला क्या नहीं निकला, कंक्लूजन की बात करता। आपने कहा पहला कंक्लूजन निकला पेयर फैक्टर का, पहला कंक्लूजन निकला पेयर फैक्टर का, पेपर में आ जाए आपने ये कहा जाए व्हाट आर द डिफरेंट कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ऑन द बेसिस ऑफ द सिंगल जीन इनहेरिटेंस के बिहार पे मेंडल ने कितने कंक्लूजन निकाले। तो उसने तीन कंक्लूजन निकाले, पहले कंक्लूजन का नाम क्या है, पेयर फैक्टर। तो क्या लिखेंगे नोटबुक में इसके बारे में, एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय वन पेयर ऑफ द फैक्टर नॉट बाय ए सिंगल फैक्टर। आपको दिखाई दे रहा है हाइट को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर हैं, दो अलील है हर इंडिविजुअल के पास में, ये हो सकता है वो सेम हो या अलग अलग हो, वो सेम है। आपने कहा यहां भी सर उसे कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। आपके हमेशा चीजें किस्म होती है, पेयर में होती है, कभी सिंगल नहीं होती है, ये बातें आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको यहां पर याद रखनी है डोमिनेंस, आउट ऑफ द पेयर फैक्टर इन द हिट्रोजाइगस कंडीशन one of the allele is able to express, one of the factors is able to express in the phenotype and one is not able to express. जो express कर रहा है वो कौन है यहाँ पे dominant, जो express नहीं कर रहा वो क्या है यहाँ पे recessive है। आपके second ये आ गया, third कहलाता है segregation, या मैं उसे कहूंगा प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इस वर्ड का क्या मतलब है कि आउट ऑफ द पेयर फैक्टर दे गेट सेपरेट आउट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट एंड वन गैमेट गेट ओनली वन फैक्टर। ये तीन बातें होगी। अब आते हैं वर्ड ला पे, वर्ड किस पे आते हैं, लो पे। अगर पेपर में आ जाए एक्सप्लेन द फर्स्ट लो ऑफ द मेंडल, तो हम बात याद रखना इसको डोमिनेंस को दिया गया था फर्स्ट लो का नाम और इसको नाम दिया गया था सेकेंड लो। मैंने लास्ट क्लास में बात की तो उसको दोबारा दोहराता हूं,
मेंडल को खुद नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूं, मैं जेनेटिक्स वाले वर्ड को, उसने कोई बात नहीं, उसने काम किया था हाइब्रिडाइजेशन इन द पी प्लांट। जब वो मर गया इन 1884 में, उसके बाद उसकी हुई थी रीडिस्कवरी, और साइंटिस्ट शायद आपके कोरेंस वगैरह उन्होंने दिया था यहां पे इन लोग के नाम। उसने तो ये कहा था कंक्लूजन है ये मेरा इस एक जीन की इनहेरिटेंस के ऊपर, उसने लो नाम नहीं दिया था। लो वर्ड यूज बाय दैट एट द टाइम ऑफ द रीडिस्कवरी, एट द टाइम ऑफ द रीडिस्कवरी। वहां पे तीन साइंटिस्ट के नाम बताएंगे आपको, यहाँ पे टस्क मार्क, टोरेंस, हुगो डी वेरेज, यहाँ पे जिन लोगों ने आपको इसे रीडिस्कवर करते 1900 में, वहां पे ये लो वर्ड यूज किए गए थे। उससे पहले जस्ट ये कंक्लूजन थी, पहला कंक्लूजन था पीरियड फैक्टर, दूसरा था यहाँ पे डोमिनेंस, और तीसरा था यहाँ पे सेग्रीगेशन। तो पेपर में अगर आ जाए एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ द मेंडल, तो कोई और नहीं, कौन सा लॉ है बेटा, यहाँ पे डोमिनेंस को नाम दिया गया फर्स्ट लॉ के बारे में। आपसे कहा जाए कि सेकंड लॉ क्या है, तो उसका नाम करा यहाँ पे सेग्रीगेशन। तीनों को मुझे लगता है आप डिफाइन कर लोगे नोटबुक के अंदर। दोबारा दोहरा देता हूं, पेयर फैक्टर में क्या बोलोगे यहाँ पे, एवरी कैरेक्टर कंट्रोल बाई वन पेयर ऑफ द फैक्टर। अगला था डोमिनेंस, इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन वन ऑफ द फैक्टर इज एबल टू एक्सप्रेस इन द फिनोटाइप एंड द फैक्टर दैट एक्सप्रेस इज नोन एज डोमिनेंट एंड दैट इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इज नोन एज रिसेसिव। इसके बारे में क्या बोलोगे यहाँ पे, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन पेयर फैक्टर गेट सेपरेट आउट and one gamete contains only one factor, this is known as law of segregation. इसी का नाम क्या आ गया, purity of the gametes. ये तीन इसके conclusion थे। पेपर में आता है explain the monohybrid cross by making a stable cross, तो आपको इस तरह से पूरा उसे करके आना है। तो नोटबुक में इसे अच्छे से नोट डाउन करना। अब मैंने आपको करेक्टर दिए थे साफ, तो आप प्रैक्टिस करके देखना। मैंने यहाँ पे हाइट एक एग्जाम्पल लिया, ऐसे फ्लोर की पोजिशन, शेप ऑफ द सीड, कलर ऑफ द सीड, ऐसे कोई भी एग्जांपल लेके यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे सिंबल यूज करने और आपको करना है। सिंबल यूज करने का तरीका आपको बता चुका हूं यहाँ पे। जो भी आपका डोमिनेंट कैरेक्टर उसके फर्स्ट लेटर को अगर कैपिटल लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट, और उसको अगर स्मॉल लिखते तो वो क्या रिसेसिव है। आपके सामने एग्जाम्पल है यहाँ पे आपका, आपने कहा टी कैपिटल लिखा तो वो क्या है बेटा जी, डोमिनेंट बन गया, और आपने स्मॉल टी लिखा तो वो क्या बन गया, रिसेसिव, दैट इज द ड्वार्फ। ये सब आपके तरीके। हमने पहला टॉपिक खत्म किया इसके साथ ही, इसके बाद हम बातें करेंगे यहाँ पे डोमिनेंट क्यों है, रिसेसिव रिसेसिव क्यों। अगला टॉपिक के लिए कहेंगे कंसेप्ट ऑफ द डोमिनेंस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के भी कुछ यहां पे ऐसे केसेस थे जहां पे वो आपका ड्यूरिंग द रीडिस्कवरी में पता लगा कि केसेस हर जगह यूनिवर्सल नहीं है, आपके फेल हो जाएंगे यहां पे, तो कैसी कैसी कंडीशंस आएंगे जहां पे रूल फेल हो जाएंगे, वो बातें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज आप अपने आप को बचा के रखिएगा कोरोना वायरस से, और पढ़ाई करो, यहां पे थोड़े थोड़े टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं यहां पे। ये जेनेटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता रहा हूं दोबारा जब आओगे तो हम जहां यहां तक पढ़ा पाएंगे उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे, ये लेक्चर रिपीट नहीं होंगे। तो वीडियो क्लासेस अच्छे से देखिएगा आप यहाँ पे, और अपने नोट्स अच्छे से बनाओ। ओके, थैंक यू।